नमस्कार दोस्तों, आरंभ सिविल सर्विस एकेडमी भोपाल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के अंतर्गत मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार तो आज का हमारा टॉपिक है मालवा के पठार पर, कि मालवा के पठार के बारे में हम क्या जानते हैं। जैसा कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि बिना मानचित्र के ज्योग्राफी को पढ़ना असंभव सा है। चलिए पहले एक मैप बनाते हैं और फिर शुरू करते हैं मालवा का पठार। चलिए दोस्तों, तो ये है हमारा मालवा का पठार। मालवा के पठार का हम विस्तार देखें तो मालवा का पठार, ठीक है, कुछ इस तरह से फैला हुआ है। तो ये है हमारा मालवा का पठार। इससे हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश की कौन सी दिशा में आता है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी दिशा में स्थित है। तो मध्य प्रदेश की पश्चिमी दिशा में स्थित है ये पठार। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन तो सभी को मालूम होती है। इसके अलावा मालवा के पठार की बात करें तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़े क्षेत्रफल पे कौन सा पठार है, कौन सा भौतिक विभाजन है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश के लगभग 28% भाग पर मालवा का पठार फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र कौन सा है मध्य प्रदेश का? मालवा का पठार। इसके अलावा मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? मालवा के पठार का निर्माण हुआ है, ठीक है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित है मालवा का पठार। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, मध्य प्रदेश के भूगर्भिक क्षेत्र के बारे में, मध्य प्रदेश के जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर के बारे में। तब भी हमने देखा था कि मालवा के पठार में फैला हुआ है दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित है मालवा का पठार। दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ था? दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण हुआ था लावा प्रवाह से। तो लावा जब फैला, ठीक है, बुल्ढाणा क्षेत्र में, महाराष्ट्र के बुल्ढाणा क्षेत्र में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से 5 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में लावा का प्रसार हुआ। उसी लावा के प्रसार से मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में हम देखते हैं मालवा के पठार का निर्माण भी हुआ। तो मालवा के पठार का निर्माण किससे हुआ है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, जो किससे बनी है? लावा प्रवाह से बनी है। जब लावा प्रवाह से बनी है तो मतलब इस चट्टानों में क्या मिलेगा? इन चट्टानों में मिलेगी हमें काली मिट्टी, क्योंकि लावा प्रवाह से, ठीक है, लावा चट्टानों के अपरदन से कौन सी मिट्टी बनती है? लावा चट्टानों के अपरदन से मिट्टी बनती है काली मिट्टी। तो यहाँ से एक हमें एक लिंक मालूम पड़ता है कि चीज़ें किस प्रकार से लिंक हैं। ठीक है, याद रखिए। तो क्या मालूम पड़ा? मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी दिशा में है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित हुआ है, 28% भूभाग पर फैला हुआ है, लावा प्रवाह से बना है, और लावा चट्टानों के अपरदन से बनती है काली मिट्टी। अब लावा प्रवाह के अपरदन से बनी है काली मिट्टी, तो काली मिट्टी है तो मालवा के इलाके में कौन सी खेती होगी, कौन सी कृषि होगी? तो हम जानते हैं कि मालवा के इलाके में होगी कपास, मालवा के इलाके में होगी ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली। ठीक है, इसके अलावा गन्ना। ठीक है, मूंगफली होगी, कपास होगी, गन्ना होगा, इसके अलावा होगा गेहूं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है? मालवा के इलाकों में, इसलिए मालवा के पठारी इलाकों कहते हैं गेहूं का भंडार। तो मध्य प्रदेश में मालवा के पठार को क्या कहते हैं? मालवा के पठार को कहते हैं गेहूं का भंडार। तो चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। ठीक है, मिट्टी मालूम है तो आपको फसल मालूम है, फसल मालूम है तो आपको विशेषता भी मालूम है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पे होगा? मालवा के पठारी क्षेत्र में होगा। इसके अलावा और देखिए मालवा के बारे में और क्या जानते हैं। मालवा से ही हम देखें तो मध्य प्रदेश के जो बड़े ज़िले हैं, ठीक है, जैसे माफ कीजिएगा, बड़े शहर हैं जैसे भोपाल, ठीक है, इंदौर, देवास, उज्जैन, ये सभी कहाँ पर हैं? ये सभी मालवा के अंतर्गत आते हैं। भोपाल है, इंदौर है, देवास है, उज्जैन है, ठीक है, इसके अलावा धार है, ठीक है, झाबुआ है, झाबुआ के अलावा हमारा सीहोर है। ठीक है, ये सभी शहर, सभी बड़े जिले किसमें आते हैं? ये सभी बड़े जिले मालवा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है इंदौर। इंदौर में जगह है महू, महू का मतलब MHOW, ठीक है,
मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। तो फुल फॉर्म क्या है महू का? मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, जो कहां पर है? इंदौर में। इसी महू से ठीक है पास जगह है जानापाव पहाड़ी। इसी जानापाव पहाड़ी से मालवा के क्षेत्र में एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम कहते हैं चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम कहां होता है? जानापाव पहाड़ी से होता है, यानी इंदौर के महू से होता है, यानी मालवा के पठार से कौन सी नदी का उद्गम होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है। दूसरी हम नदी की बात करें तो इंदौर में ही महू के पास एक और पहाड़ी है, ठीक है, काकरा बड़ी। काकरा बड़ी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? यहां से नदी निकलती है छिपरा, ठीक है। और छिपरा नदी किनारे बसा हुआ है महाकाल मंदिर, ठीक है, महाकाल तीर्थ स्थल है, याद रखिए तीर्थ स्थल महाकाल कहां पर है? उज्जैन में। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आपको मालवा के पठार आप पढ़ते हैं तो मिट्टी मालूम होना चाहिए, जिला मालूम होना चाहिए, जिले में कौन सी पहाड़ी है, कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है। ये तो दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम हुआ। इसके अलावा हमने देखा सीहोर, सीहोर भी जुड़ा हुआ है, सीहोर भी शामिल है मालवा के इलाके में। जब सीहोर शामिल है तो एक क्वेश्चन और बन सकता है, सीहोर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो सीहोर के पास तहसील है, उसका नाम है आष्टा, और आष्टा से निकलती है पार्वती नदी, ठीक है। तो पार्वती नदी का उद्गम भी हम देखते हैं कि मालवा के पठारी क्षेत्र से होता है। तो पार्वती नदी का उद्गम हो रहा है, छिपरा नदी का उद्गम हो रहा है, चंबल नदी का उद्गम हो रहा है, कौन से पठारी इलाके से? मालवा के पठार से होता है। अब हम बात करें मालवा के पठार के बारे में और क्या जानते हैं, ठीक है। तो मालवा के पठारी क्षेत्र की अगर जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु है सम जलवायु, ठीक है। कैसी जलवायु है? सम जलवायु। सम जलवायु का मतलब ना तो सामान्य ठंड पड़ती है और सामान्य गर्मी पड़ती है, ठंड भी सामान्य पड़ती है और गर्मी भी सामान्य पड़ती है, ठीक है। ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज़्यादा ठंड पड़ेगी, इसे कहते हैं सम जलवायु। यही कारण है कि मालवा की जलवायु को किसने कहा है विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु? तो चीनी यात्री थे, उनका नाम था फाहयान, ठीक है, ठीक है। तो फाहयान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है मालवा के पठारी क्षेत्र की जलवायु को। मालवा के पठार से एक प्रश्न और आ सकता है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी, ठीक है। कौन सी चोटी है? सिगार चोटी। तो सिगार चोटी मालवा के पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 881 मीटर। तो 881 मीटर ऊंची चोटी है मालवा की, सबसे ऊंची चोटी है। कौन से जिले में आती है? ये आती है इंदौर जिले में, ठीक है। तो मालवा के पठार के बारे में हमें इतनी सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। एडवाइस कर लेते हैं मालवा के पठार से और कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो हमने पढ़ा मालवा के पठारी के क्षेत्र के बारे में कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा भूभाग है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है कहाँ पर है, कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? लगभग 28% भाग पर यह फैला हुआ है। इसके अलावा मालवा के पठार का निर्माण किससे हुआ है? मालवा के पठार का निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, और दक्कन ट्रैप की चट्टानें किससे बनी हैं? लावा प्रवाह से बनी है, और लावा प्रवाह से बनी है तो लावा चट्टानों का अपरदन भी होगा। अपरदन से कौन सी मिट्टी बनेगी? काली मिट्टी बनेगी, और काली मिट्टी में कौन सी खेती होती है? काली मिट्टी में होती है कपास, मूंगफली, गन्ना, गेहूं जैसी फसलें बोई जाती हैं, सोयाबीन भी बोया जाता है। तो एक और फसल मिल गई हमें, कौन सी? सोयाबीन, ठीक है। तो मालवा के इलाके में एक और फसल बोई जाती है सोयाबीन। इसके अलावा सबसे ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? मालवा के इलाके में होता है, इसलिए क्या कहते हैं मध्य प्रदेश को, मालवा के पठार को मध्य प्रदेश में गेहूं का भंडार कहते हैं। जिले कौन कौन से आते हैं मध्य प्रदेश के? ज्यादातर बड़े जो जिले हैं, बड़े शहर हैं, इंदौर है, भोपाल है, देवास, उज्जैन, ये सभी कहाँ पर आते हैं? मालवा के पठारी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने देखा मालवा के पठार की जलवायु कैसी है। तो मालवा के पठार की जलवायु है सम जलवायु, ना तो सामान्य ठंड पड़ती है और सामान्य गर्मी पड़ती है। ऐसा भी नहीं कि खूब ठंड पड़े और खूब गर्मी पड़े, जैसा कि कल हमने देखा था मध्य भारत के पठारी क्षेत्रों में। इसके अलावा हम देखें तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा है मालवा के पठार की जलवायु को? फाहयान ने, चीनी यात्री फाहयान थे, याद रखिए, जिन्होंने मालवा के पठार को, मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आंसर क्या आएगा? सिगार चोटी। कहां पर है? कितनी ऊंचाई है इसकी? 881 मीटर है। कहां पर? यह है इंदौर जिले में।
इसके अलावा हम देखें भोपाल इंदौर देवास की बात हो रही है तो नदियों का उद्गम भी होता है मालवा के पठारी क्षेत्र से। तो इंदौर के पास जगह है महू, महू का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण नाम क्या है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, ठीक है, याद रखिए। महूस में ही जाना पाऊ की पहाड़ी है जहां से चंबल नदी का उद्गम होता है और काफी बड़ी की पहाड़ी है जहां से छिप्रा नदी का उद्गम होता है और छिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन जहां पर महाकाल तीर्थ स्थल है। इसके अलावा हमने देखा सीहोर की एक तहसील है आष्टा, यहां से नदी का उद्गम होता है, पार्वती नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा देखिए लिखा हुआ है धार, ठीक है, तो मालवा के पठारी क्षेत्र में एक और है धार, और धार से कौन सी नदी निकलती है, धार से निकलती है माही नदी। जब हम नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये पठारी क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो समान जानकारी होनी चाहिए कि धार से कौन सी नदी का उद्गम होता है, धार से निकलती है माही नदी, और माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो एक प्रश्न हमारा यहाँ से भी बनता है कि माही नदी की विशेषता के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इतनी जानकारी मालूम पड़ेगी कि हमें मालवा के पठार की लोकेशन कैसी है, मालवा के पठार में कौन से महत्वपूर्ण जिले आते हैं, मालवा के पठार की जलवायु कैसी है, मालवा के पठार की फसलें कैसी हैं, मालवा की मिट्टी कैसी है, इसके अलावा मालवा की नदियों का उद्गम कैसे होता है और मालवा का निर्माण कैसे हुआ था और विशेषताएं क्या हैं मालवा के पठारी क्षेत्र की। उम्मीद है मालवा का पठार आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर